नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, लोनार लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बताना है आपको लोनार झील भारत के कौन से राज्य में है। तो देखिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, लिपुलेख पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। लिपुलेख पास मतलब लिपुलेख दर्रा जो है वो भारत के कौन से राज्य में है। ऑप्शन सी, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नो एज, कीड़े मकोड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं। कीड़े मकोड़े के अध्ययन को कहते हैं इंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ सातपुरा रेंज। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ सातपुरा रेंज, सातपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन ए, धूपगढ़। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 इंडियन स्टेट से पास करता है। 8 इंडियन स्टेट्स के मैं यहाँ पे आपको नेम लिख देता हूँ, गुजरात, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और नहीं तो फिर लिख नहीं पाऊँगा यहाँ पे पूरा, गुजरात हो गया और आपका राजस्थान, कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया ये तो, कोई बात नहीं, दो बार मैं लिख दूँगा। राजस्थान हो गया आपका, यार ये क्या हो गया, अब सही है, मैं फिर से लिख देता हूँ आपका, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने चार लिख दिया, अब चार और लिख देता हूँ एक और बार में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है। और यहाँ पे आपका रह गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, सात हो गए। और एक लास्ट आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। 8 स्टेट्स थे, 8ों के नेम मैंने यहाँ पे लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलानी हिल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। बताना है आपको पलानी हिल जो है वो कौन से स्टेट में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। बताना है आपको भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितने भी पॉइंट हैं मैं आपको यहाँ पे सारे बताऊँगा। देखिए, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल, ये आपका इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। किबितू की बात करें तो ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो कि किबितू का है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। और ये जो आप इंदिरा कॉल देख रहे हो जो कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, तो ये किधर है आपका, ये है आपका लद्दाख में। और ये गुहर मोती जो है ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, तो ये आपका है गुजरात में। एंड ये जो इंदिरा पॉइंट आप देख रहे हो ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये कहाँ है, तो ये है आपका यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार। चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, माइथॉन डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। माइथॉन डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए, माइथॉन डैम जो है ये है आपका झारखंड में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, इडुकी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताना है आपको इडुकी डैम भारत के कौन से राज्य में है। तो देखिए, ये है भारत के ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। और अगर रिवर की बात करें तो कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, तो ये आपका पेरियार रिवर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड इज मेड अप ऑफ कोरल रीफ्स। कौन सा आइलैंड का ग्रुप है जो कोरल रीफ्स से बना हुआ है। देखिए कोरल रीफ का मतलब होता है मूंगा चट्टान। चट्टान का मतलब क्या हुआ, एक तरह का पहाड़ी होता है ना, तो आपको बताना है मूंगा चट्टान से कौन सा आइलैंड का ग्रुप बना हुआ है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन तट रेखा। देखिए फर्स्ट तो किसके पास है, गुजरात, जिसकी तट रेखा की टोटल डिस्टेंस है 1600 किलोमीटर। फर्स्ट अगर पूछता यहाँ पे तो आपको गुजरात करना था, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है सेकेंड नंबर का, तो सेकेंड नंबर पे है अपना आंध्र प्रदेश जिसकी डिस्टेंस है 974 किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट जूट मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1855 एट। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला जूट मिल जो है वो साल 1855 में इस्टेब्लिश हुआ, तो ये कहाँ इस्टेब्लिश हुआ, कौन से जगह पे। तो देखिए ये जगह था आपका ऑप्शन ए रिश्रा। रिश्रा कौन से स्टेट में है, तो रिश्रा है आपका वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है एनामुडी, और अगर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कंचनजंगा, जिसकी टोटल हाइट है 8848 फीट। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो है ना आपका एनामुडी, ये आपका केरल राज्य में पड़ता है, केरला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान। इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो पाकिस्तान के साथ अपना बाउंड्रीज शेयर नहीं करता है। देखिए भारत से अगर पाकिस्तान की बात करें तो भारत से चार स्टेट जो है वो बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। यहाँ पे पहले आप बताओ एक कौन सा, हिमाचल प्रदेश जो है ये शेयर नहीं करता है, बाकी पंजाब भी शेयर करता है, राजस्थान भी शेयर करता है, गुजरात भी करता है, और एक कौन सा, ये अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, और आपका ये एक है जम्मू एंड कश्मीर, जिसके लिए पाकिस्तान बेताब रहता है कि कश्मीर मेरा है कश्मीर मेरा है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ है ना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया। जिस द्वीप पे हम रहते हैं एशिया में, पता है आपको कि भारत एशिया में ही है, तो आपको बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो यह है आपका यांगजे रिवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिसकी टोटल डिस्टेंस है 6300 किलोमीटर, और ये कौन से कंट्री में है, तो यह है आपका चाइना में। चलिए अगला क्वेश्चन। नाइगाड़ा फॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। नाइगाड़ा झील जो है वो भारत के, सॉरी वो कौन से कंट्री में है, कौन से देश में है। यहाँ पे कंट्री है तो मैं भारत के कैसे बोल रहा था। तो देखिए नाइगाड़ा झील जो है ये है आपका कनाडा में। अब थोड़ा कनाडा के बारे में बात कर लें तो कनाडा की कैपिटल होती है ओटावा। ठीक है कनाडा की कैपिटल क्या होती है, ओटावा। और यहाँ की करेंसी क्या होती है, तो यहाँ की करेंसी होती है कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। और यहाँ की लैंग्वेज, आप दो लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल्स हैं, फ्रेंच एंड द इंग्लिश। चलिए अगला क्वेश्चन। न्यूयॉर्क सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। न्यूयॉर्क शहर जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हडसन रिवर। अगला क्वेश्चन है कोटोपैक्सी वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कोटोपैक्सी वोल्केनो कौन से कंट्री में है। देखिए ये है आपका इक्वाडोर। अब देखिए इक्वाडोर के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, कैपिटल करेंसी वगैरह। तो इक्वाडोर की कैपिटल होती है क्विटो, QUI। ये क्या हो गया यार, फिर से बता देता हूँ मैं, कैपिटल होती है यहाँ की क्विटो। अब यहाँ पे करेंसी और ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ,
करेंसी हो गई आपकी यूएस डॉलर, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। लैंग्वेज यहाँ पे एक ही है ऑफिशियल, स्पैनिश। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डाउन्स ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। बताना है आपको डाउन्स ग्रासलैंड कौन से कंट्री में है। तो देखिए डाउन्स ग्रासलैंड जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबेरा, और यहाँ की करेंसी होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है यहाँ की इंग्लिश। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इंडियन रेलवे का साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो का ये एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।